नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन कृषि भवन के अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर पूरे कृषि भवन को सैनिटाइज कराया गया। जी हां, आपको बताते चले, श्रावस्ती यूपी में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आने पर पूरे कार्यालय को वहां पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से सैनिटाइज कराया गया। जी हां, काफी दिक्कत होती है तो उन चीजों को पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाए कि ऐसा भी कोई ना कोई मरीज ना आ जाए कि उस बीच में कि कोई किसान उससे दूसरा इन्फेक्टेड हो जाए। इन सभी चीज़ों को बचाते हुए कि अपने बीज वितरण केंद्रों में बीजों का वितरण किया जाना है। लॉकडाउन के बाद माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री कोई अनुरोध रक्षा करना चाहते हैं जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस होने को विगत 3 माह के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, इस पर आप किसी अधिकारी होने से यहाँ की कुछ करना चाहते हैं। जनपद में जो कि जैसा कि सरकार का निर्णय था, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय था वो सभी के लिए बहुत ही सही निर्णय था, क्योंकि बात यह है कि अगर उस दौरान जो कि जो वायरस है, वायरस जो है क्योंकि एक दूसरे के प्रति जाता है, जो उनका जो वायरस का माध्यम है, उन माध्यमों को जो वायरस जो खांसी छींक इत्यादि से जो विस्तारित होता है वायरस, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काफ़ी लोगों को इस बीमारी से बचाया है। और जबकि मतलब कि सभी हमारे सभी नागरिकों को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे जनपदवासियों को भी ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी महामारी होते हुए भी हमारे जनपद में वह संख्या नहीं पहुंची, क्योंकि सभी लोगों को जो जनपद जो जिला प्रशासन लगा हुआ है वो व्यवस्थित तरीके से इस जनपद में लगा हुआ है कि हर जो भी बाहर से जो श्रमिक आ रहे हैं उन श्रमिकों को क्वारंटाइन किया जा रहा है घरों पर। पहले स्कूलों में किया जा रहा था और जो संदिग्ध हैं उनको अभी भी स्कूलों में किया जा रहा है, और जो संदिग्ध नहीं है उनको राशन पानी 14 दिन की व्यवस्था देते हुए उनको घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी रणनीति है, जिससे कि मतलब कि कम से कम लोग जो इन्फेक्टेड है वही रहे, वही सही हो तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे ये जो महामारी है, इस महामारी से लड़ते हुए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये मतलब कि जो माननीय मुख्यमंत्री की जो उद्देश्य है ये बहुत ही अच्छा है, और मतलब कि ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक बच चुके हैं। धन्यवाद।